एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जोलो ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30। आज जोलू का स्कूल जल्दी है, 11 बजे ही उसको स्कूल में पहुंचना है क्योंकि आज उसके स्कूल में गरबा सेलिब्रेट करेंगे, तो इसके लिए 11 बजे जाएगा और 12:30 बजे जल्दी आ भी जाएगा। तो मैंने उसको अच्छे से रेडी किया है, तो आज चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। बोलो हाय गाइस। हाय हाय। कैसे हो? देख का इसको 1:30 बज गए और बहुत परेशान करता है नीचे ना। इसको रहता है कि मैं कितना खेल लूं नीचे, और नीचे इतना तेज धूप था। हाँ, चलिए फिर इसको खिला पिला के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। उसके बाद मैं सीधे आपको शाम को मिल रही हूँ। शाम का खाना बना रही हूँ, दाल चावल बना रही हूँ मैं। और अभी मैं बिना लहसुन और प्याज वाला दाल बनाऊँगी, मतलब बिना लहसुन और प्याज डाल के दाल बनाऊँगी, तो सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँ। तो सबसे पहले मैंने दाल को अच्छे से धो लिया। मैं साथ ही साथ टमाटर को थोड़ा छोटा छोटा कट करके डाल दूँगी और हल्दी और नमक डाल कर अच्छे से इसको उबाल लूँगी। फिर उसके बाद इसमें 3 से 4 सीटी मैं लगाती हूँ, क्योंकि हम लोग थोड़ा गला हुआ दाल खाते हैं, तो 3 से 4 सीटी मैं लगा देती हूँ दाल। उसके बाद तड़का के लिए मैं एक कढ़ाई रखूँगी, उसमें डालूँगी घी, जीरा, राई, कड़ी पत्ता, यही सब डाल के तड़का बनाती हूँ। उसमें से थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल देती हूँ। बहुत अच्छा दाल बनता है, कभी आप लोग भी ट्राई करिएगा। लगता ही नहीं है कि ये बिना लहसुन प्याज का फ्राई किया हुआ नहीं है, बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग कभी ट्राई करिए।
आप लोग देखो ये दाल, कोई बोलेगा ही नहीं कि इसमें लहसुन प्याज नहीं यूज हुआ है, ये फ्राई नहीं है, बस तड़के वाला दाल है। और साथ ही साथ मैं पापड़ भी तल लूँगी, क्योंकि अभी लहसुन प्याज, ये नवरात्रि का ब्लॉग है तो लहसुन प्याज उस टाइम हम लोग नहीं खा रहे थे। तो हाथ जोड़ो भगवान जी का, हाँ इधर हाथ जोड़ो, बोलो बोल दो हर हर, हाथ ऊपर करके बोलो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, गणपति बप्पा मूर्तिया, गणपति बप्पा मूर्तिया।